हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो हम लोग करने वाले कंपाउंड 500 रुपीज का, एंड जो भी मैं ट्रेड लूंगा मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं, अगर हमें कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, और जो भी मैं ट्रेड लूंगा मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करके बता दूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। गाइज हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें क्या हैं यहाँ पे। अगर ये कैंडल जो रेड कलर की फॉर्म आउट हो रही है, अगर रेड कलर की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो हम बायर के लिए जाएंगे। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो, नहीं होती है तो अगला कैंडल देखो। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, अगर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी तो हम बायर के लिए जाएंगे। इसके नीचे क्लोज होगी, इसको ब्रेक करके इस लेवल के नीचे क्लोज होगी तो हम बायर के लिए जाएंगे। इसके ऊपर क्लोज होगी तो हम सेलर के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके नीचे क्लोज हुई है तो हम बायर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और एज ऑलवेज हमारी एंट्री काफ़ी गलत लगी है, बट वेट करके देखते हैं, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन कलर की बननी चाहिए, और आखिर मैंने क्या देख करके ट्रेड लिया। अगर लॉस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारी एंट्री गलत है, बट क्या देख करके मैंने ट्रेड लिया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दो चीज़ें मैंने देखा यहाँ पे, यहाँ गौर करो, यहाँ एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न के बाद क्या हुआ है ना, मार्केट को यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल लानी थी और मार्केट को अप जाना था, आ चाहिए था, बट रिट्रेसमेंट क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, कवर है, ठीक है। और मार्केट अगर रिट्रेसमेंट फेल करती है और इस लेवल के अंदर क्लोज होती है, इसके वीक्स है ना, रेड और ग्रीन के वीक्स है ना, इस लेवल के अंदर क्लोज अगर होती है तो मार्केट में क्या होता है ना, उसके बाद अगर ये, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ देखो ठीक से, अगर मार्केट में क्या होता है, रिट्रेसमेंट फेल हो जाती है गाइस, अगर मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट जो होती है वो फेल हो जाती है और इस लेवल के अंदर क्लोज होती, जो ये वीक का लेवल है, तो मार्केट और नीचे फॉल करता, बिकॉज ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, तो रिट्रेसमेंट फेल हुई है तो ओवरऑल यहाँ पे ये क्या करता, फॉल करता, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज होती तो, ठीक है। बट क्या होता है ना, कभी भी मार्केट में अगर बुलिश एनगल्फिंग बना है और उसका जो लो है, अगर वो लो ब्रेकआउट हो जाता है, कौन सा लो, ये वाला लो अगर ब्रेकआउट हो जाता है किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तो अगला कैंडल हम अपवर्ड के लिए जाते हैं और विन कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी नॉलेज आप भी गेन कर सकते हो पर डे प्रैक्टिस करके एंड प्रॉपर नॉलेज गेन करके, ठीक है। तो अगर जिनको भी प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना है वो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हैं। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पर मिल जाएगा। तो जिनको भी परचेज करना आ जाना टेलीग्राम पे। करंट टाइम में शिवरात्रि भी रनिंग में है, तो उसके लिए मैंने ऑफर भी निकाल रखा है, तो वो कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे कुछ ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, एंड अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमें यहाँ पर टोटली 940 रुपीज मिल चुका है, तो 940 रुपये यहाँ पर डाल लेता हूँ मैं। करीबन ट्राई करता हूँ 3-4 स्टेप कंपाउंड करने का, देखते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप वेट कर लो। गाइस यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड ये कैंडल हमारा यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए। अगर लॉस हो जाएगा तो हम डबल अमाउंट से अपवर्ड की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। क्या देख करके मैंने ट्रेड लिया मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक रेड कैंडल था, दो ग्रीन कैंडल थे, यहाँ पे कलर पैटर्न के हिसाब से एक रेड कैंडल आना चाहिए था, ठीक है, बट रेड कैंडल नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज मार्केट क्या है, एक मैजिक वी पैटर्न पे काम कर रहा है, ठीक है। तो कलर पैटर्न से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक वी का पैटर्न होता है, बिकॉज ये एक ट्रेंड में काम करता है, तो यहाँ पर काम नहीं किया हमारा कलर पैटर्न। तो हम समझ गए मार्केट कलर पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, मैजिक वी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और मैजिक वी पैटर्न का हाई यहाँ तक है, तो मे बी मार्केट यहां तक जाएगी, और देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट भी कर चुका है, ठीक है। तो हमने दो ट्रेड लिए, हमारे दो ट्रेड बैक टू बैक विन हो रहे हैं। देख लेते हैं मैं कितना रिटर्न मिल जाएगा, 1767 का डाल करके रख लेते हैं अमाउंट, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, ये सब आपको लग रहा होगा देखने में कि यार कितना जल्दी जल्दी ले रहा है, जो भी सारी चीज़ें ब्रदर, ये सारी नॉलेज गेम करने में बहुत लंबी टाइम लगती है। अगर आपको कहीं सही जगह से नॉलेज मिलती है ना, तो आप उसको लो, ठीक है। आपको 1000 चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक चीज़ को सीखो, उसको मास्टर करो, उससे पैसा बना लो, फिर पूरी ज़िंदगी बची पड़ी है सीखने के लिए, ठीक है। तो चलो कहीं देखते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, ठीक है, वेट करके देखते हैं। बहुत ही खराब मार्केट है, कमोडिटी मार्केट में देखते हैं। फाइंड करते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे। तो
तो गैज हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है, वही पैटर्न वही तरीका कि यहाँ पर जो पैटर्न एक बन रखा है वो पैटर्न है हमारा कौन सा, तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न है ये दोनों कैंडल मिला करके, ठीक है। तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो उतना अच्छा वर्क नहीं करता, फिर भी मैं यहाँ पे एक अपवर्ड की ट्रेड लगा रहा हूँ और ये इसके हिसाब से पियर्सिंग लाइन पैटर्न के ब्रेकआउट के हिसाब से इस कैंडल को यहाँ पे ग्रीन बनना चाहिए। बट अगर किसी रीजन से ये कैंडल ग्रीन नहीं बनती है तो हम डबल अमाउंट से फिर अपवर्ड का ट्रेड लगाएंगे और विन कर जाएंगे, ठीक है। गाइस देखो मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं जो पूरे मार्केट को एनालाइज करते हैं, क्या वो पूरे मार्केट में लेवल्स ड्रॉ करता है लाइक इस टाइप से कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है हमारा, मैं बताता हूँ किस टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई ये हमारा इस तरह का कुछ ऐसा होता है कुछ ऐसा होता है कुछ इस तरह का, वो बताते हैं ना, ठीक है। रुको मैं पहले यहाँ पर मैं एक थंबनेल के लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है मैं इसको हटा देता हूँ। पता नहीं कहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये जूम वाला आ गया आई थिंक, हाँ समझ गया मैं कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हमारा गाइस यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया है जो भी सारी चीज़ें, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था। सिंपल सा लॉजिक था, दो लॉजिक मैंने देखा था, वैसे मैंने आपको बताया एक ही है बट दो लॉजिक देखा था। पियर्सिंग लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे एक रिवर्स कैंडल आती है, ये हमारा एक शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न में आता है जो मैंने कोर्स में बताया, ठीक है। साथ ही साथ क्या कलर पैटर्न है, रेड ग्रीन रेड, तो अगला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। दो चीज़ें मैंने देखी, डाउनवर्ड का मार्केट था, मार्केट में कभी ब्रेकआउट होगा तो बायर आएगा, कभी भी ब्रेकआउट होगा तो बायर आएगा, ठीक है। ये देख करके मैंने ट्रेड लिया था। मार्केट में गाइस दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, फिलहाल हमारा कैपिटल गेन हो चुका है 3268 तो छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो क्या है, यहाँ पे सिनेरियो हमारा ये था कि मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर क्या होता है, वो बहुत कुछ सीखते हैं एंड प्रॉपरली लेवल्स ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे एक बाउंसिंग लाइन लेवल ड्रॉ करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे यहाँ लेवल ड्रॉ करते हैं, यहाँ लेवल ड्रॉ करते हैं, अपने हिसाब से वो लेवल ड्रॉज करते हैं। जब मार्केट इस पोजिशन में जाता है तो वहाँ से वो सेल आउट करते हैं, यहाँ भी एक लेवल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस देखो आपको, देखो बताता हूँ, आप जितने सारे यूट्यूबर के पास जाओगे ना आपको उतनी सारी स्ट्रैटेजी उतना सारा नॉलेज मिलेगा, ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप किसी एक पर्सन को, 1 से 2% मैक्स है भाई, उससे ऊपर नहीं, किसी भी बंदे की वीडियो मत देखो कि हाँ भाई बग है, हाँ भाई इंडिकेटर है, ये है वो है दिस दैट, आप सब कुछ छोड़ो। आप क्या करो, किसी एक बंदे को आंख बंद करके फॉलो करो जो सक्सेसफुल है इस लाइन में और जिसकी चीज़ें आपको समझ आती हैं, लगता है कि हाँ भाई ये बंदा सही है, इस बंदे की नॉलेज सही है, इससे मैं सीख भी रहा हूँ और ऐसा मेरे साथ ट्रेडिंग में हो भी रहा है, ठीक है। जिससे को अगर आप अपना कमेंट करते हो आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हो, अगर आप उसको टेलीग्राम पे मैसेज करते हो तो टेलीग्राम पे आपका रिप्लाई देता हो, ऐसे बंदे से आप चाहो तो सीखो ट्रेडिंग या फिर उसकी वीडियोस देखो। प्रॉफिट पता है क्या है ऐसे बंदों का, ऐसे बंदे प्रॉफिट क्या है कि आप पहली बात देखो, अगर हजार यूट्यूबर के पास जाओगे तो आपको हजार तरह के वीडियोज मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हजार तरह के वीडियोज मिलेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा गाइस, जिससे ये होगा आपका कि आप सबका माइंडसेट मतलब क्रैक करने का ट्राई करोगे। हम बताओ जैसे मेरी साइकोलॉजी अलग है, किसी दूसरा ट्रेडर है उसकी साइकोलॉजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, कोई तीसरा ट्रेडर है उसका साइकोलॉजी को इंडिकेटर पे है, चौथा ट्रेडर है जैसा साइकोलॉजी को यहाँ पे मोमेंटम में वो लेता है, किसी कोई ट्रेडर है, मैं आपको बताता हूँ, मैं मार्केट में ऐसे ऐसे बंदे को देखा हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा बट मैं ऐसे ऐसे बंदे को देखा हूँ जो नॉर्मल सा छोटे छोटे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आराम से वो प्रॉफिट बना लेता है, छोटे छोटे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, उसको पूरा कुछ सीखने का जरूरत नहीं है। देखो अब उसको तो ये भी नहीं पता कलर पैटर्न क्या होता है, पियर्सिंग लाइन क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है। उससे क्या मतलब है कि हाँ भाई मुझे ट्रेंड लाइन की नॉलेज है तो मैं बस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लूंगा और उसी से जो पैसा बनेगा मैं बनाऊंगा, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो बंदा आराम से अपना ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड लेता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। तो आपके पास जो नॉलेज है ना, जो आपको लगता है कि हाँ भाई सही नॉलेज है, तो आपके लिए उतना नॉलेज काफ़ी है। तो आप बार बार नई चीज़ें सीखने का ट्राई मत करो, अगर नॉलेज नहीं है तो प्रॉपरली सही जानकारी लो, सही तरह से ट्रेडिंग सीखो और बस उतना ही लो, क्योंकि तो मार्केट में इतना नॉलेज है, इतना कुछ है जिसको पूरी ज़िंदगी सीखोगे ना फिर भी कम ही लगेगा, इतना नॉलेज है सर, ठीक है। तो सब कुछ सीखने का ट्राई मत करो, जितना नॉलेज आपके पास है उतना इनफ है पैसा बनाने के लिए, आप बस एक चीज़ पे कंसिस्ट रहो और पैसा बना लोगे। मैं ऐसे ऐसे बंदे को जानता हूँ जो बस 2 से 4 कैंडल पे से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएगा, ब्रेकआउट हो गया तो हाँ भाई ये रिट्रेसमेंट आई, अगला कैंडल बायर के लिए चला जाएगा और विन भी कर जाएगा। तो सारी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी, बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो चलो बाकी ज्ञान भाई अगली वीडियो में दूंगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी जिनको का प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना हो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो, कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पर मिल जाएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।